अभी तो खेल शुरू हुआ। सदन की ताकत से मुल्क नहीं चलेगा, सड़क की ताकत से मुल्क चलेगा। और आगे बोलने के लिए जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो संसद में जब बोले तो हमारे दिलों पर छा गए। जब प्रोफेसर मनोज झा, जो संयोग से हम लोग एक ही जगह से आते हैं, वर्षों का साथ है, और आज मैं पुनः व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर और इन तमाम बहुजनों की ओर से उनको धन्यवाद देते हुए उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित शुक्रिया साथियों। जय भीम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, साथी पवन श्याम जी, जस्टिस ऐश्वर्या, जब उस अंधेरी रात में इनका फोन आया था तो मुझे तसल्ली हुई कि एक इंसान तेलंगाना में बैठ करके हमारे पीछे खड़ा है। शुक्रिया सर। जिनेश भाई, रतन, रायनपाल गौतम जी, उर्मिलेश जी, ना पत्रकार गरीब बल्कि शिक्षक भी, दिलीप भाई, सुबह की पहली ट्वीट उन्हीं की पढ़ता हूँ, उससे मौसम का पता चलता है। अली अलाउद्दीन अंसारी साहब मेरे साथी, और मेरे सामने बैठी हैं इस मुल्क की कॉन्शियस पीपल अरुण जी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे सर। मैंने कहा मैं बाबा साहब के संविधान के पन्नों की हिफाजत कर रहा, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में, एक एक हर्फ एक एक शब्द के पक्ष में, जिसे बचाना था। लोग पूछते रहे पूरे दिन, मैं और मेरे नेता प्रतिपक्ष, हमारी टीम और मेरे नेता, हम लगातार संवाद में रहे, हमने हवा में यह निर्णय नहीं लिया। हुजूम के खिलाफ जाना सबसे मुश्किल काम होता है, हम हुजूम के खिलाफ गए। हम इलेक्ट्रल डिफीट, इलेक्ट्रल प्रॉफिट और लॉस नहीं देख रहे हैं। उर्मिलेश जी, वादा करते हैं ये लड़ाई हम एक भी सीट ना जीते इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं, ये छोटी बात नहीं है। कल को तुम सामाजिक न्याय को निकाल दोगे साहब, चर्चा नहीं होगी, सेक्युलरिज्म निकलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम कौन सी किताब पे जिएंगे इस मुल्क में, किसके भरोसे जिएंगे? मनुस्मृति के भरोसे या गोलवर्कर की बंच ऑफ थॉट के भरोसे? आपने मध्य रात्रि की उस डकैती में मोदी जी, आपने और आपकी पूरी टीम ने गोलवर्कर को उतारा है, उसकी भावनाओं को उतारा है। मैं आपको वादा करता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं, बीजेपी के ओबीसी एससी एसटी एमपी मुझसे सेंट्रल हॉल में बोले कि आपने जो बोला वो ठीक किया। मैंने कहा फिर आप चुप क्यों हो रहे? मैं अपने साथी, उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप लोगों को यह कोहरा जिंदा रखना होगा। संसद खाली हो गई है, संसद में बहुत कम लोग हैं। कितने दल के, कितने लोगों के पीछे उनका दल का यह विश्वास है कि तुम ये लाइन लो, हम चुनाव जीते या हारे? कितने दल नफा नुकसान में लगते? किस उर्मिलेश जी ने एक बात सही कही, सवन में ये कौन लोग हैं जिनको रिजर्वेशन मिलेगा? 8 लाख वाले, उसमें गरीबी ढूंढ रहे हो? 5 एकड़ वाले, उसमें गरीबी ढूंढ रहे हो? अरे गरीबी वाला बात थी, वाली बात थी, बीपीएल में चले जाते, एपीएल में चले जाते, वो आपका, आपकी मंशा नहीं है। आप मूलतः जिसको कहते हैं हम कि ब्राह्मणवादी पैराडाइम का पूंजीवाद से अगर विवाह हो, उससे जो संतान पैदा होगी क्रोनी पूंजीवाद से, वो नहीं सकता। और आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को बाकी हमारे बामन भाई हैं वो लोग बोलेंगे, मैं सिर्फ अली अनवर साहब है, बस एक छोटी टिप्पणी मैं करना चाहता हूं। आपकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। आज जब मैं इस हॉल में आया ना, तो मुझे लगा हमारे नहीं है ये लड़ाई, तो खेल शुरू हुआ। सदन की ताकत से मुल्क नहीं चलेगा, सड़क की ताकत से मुल्क चलेगा। एक बार मेरे साथ कहिए, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 जय।
जिंदाबाद।